मतदान को लेकर जनजागरण अभियान प्रारंभ, निकाली गई बाइक रैली, ली गई शपथ। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रशासन पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में हुए मतदान को लेकर बने रिकॉर्ड को तोड़ने के प्रयास में लग गया है, यानी इस लोकसभा चुनाव में भारी मतदान कराने प्रचार प्रसार में लग गया है। इसी के चलते कलेक्टर रीवा ने रैली के कलेक्ट्रेट पहुंचने पर शपथ दिलाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए कहा। इसके पूर्व शहर के बाहरी हिस्से एजी कॉलेज के पास से रैली का शुभारंभ जिला पंचायत सीईओ ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह रैली शहर भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। कई बार हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं पूरे जिले में ऐसे हजारों कार्यक्रम चल रहे हैं। हर स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, और अभी 5 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें पूरे 2013 मतदान केंद्रों पर हम लोग चुनाव पाठशाला लगा रहे हैं। चुनाव पाठशाला भी आयोग का एक निर्देश है और एक पूरा कार्यक्रम बना है 2 घंटे का। तो दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में पूरे ज़िले में 2013 जगहों पर लोग इकट्ठे होंगे, उनको निर्वाचन से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां दी जाएंगी, कुछ गीत हैं, कुछ कहानियां हैं जो उनको बताई जाएंगी, इसका महत्व बताया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि अगर किसी का नाम नहीं जुड़ा है तो वो अभी समय है, वो जुड़वा सकते हैं, और बाकी चीज़ें भी बताई जाएंगी। तो वहीं मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने नगर निगम के द्वारा भी शहर में रैली निकाली गई। इस बारे में हमने नगर निगम कमिश्नर से बात की। वोट हमारा है अधिकार। घुमा लीजिए, घुमा लीजिए भैया। हेलो भैया, सभी लोग वोट देना है अपने मत का। थोड़ा सा लाइन कर, आज नगर पालिका रीवा के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। उसी के अंतर्गत आज मानव श्रृंखला बनाकर पूरे शहर में सिविक प्लाजा मार्केट में घुमाई गई है। प्रत्येक मतदाता स्वतंत्र, निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रलोभन के मतदान करें, इसके लिए लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए